लाइट चालू हो गया पूरी तरह से, ये पल्सरिंग है। और स्विच का देखिए सब कमी, एक चीज देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए आगे देखते हैं, इसका पल्सरिंग हो गया है। और दुकान में देखिए सामान सब भी लग गया है, नेट भी चार्ज है, तो आज देखते हैं ये अभी इस पर लाइट लगेगा पल्सरिंग में, कौन सी लाइट लगेगा इस पर देख लीजिए जो भी पॉइंट है, तो अभी सब लाइट लग जाएगा तो उसका भी वीडियो दिखाएंगे। तो इस तरह भी है, तो फाइनली रूप से आज फाइनल हो जाएगा, लाइट बत्ती चालू करके दिखाएंगे आप लोग को, देखिएगा किस तरह लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए तीसरा स्टेप है, कटिंग हो गया है, अब ये लाइट का कनेक्शन हो रहा है, देखिए कनेक्शन हो गया। कुछ चौथा फुल फिनिश चालू करके दिखाएंगे, देखिए उधर टाइम चल गया है, लाइट कनेक्शन हो गया है। और कभी भी टैप मारना है इसको सिंगल करके मारना है, डबल होने के बाद गर्म होने के बाद कभी शॉर्ट लग सकता है, सिंगल रहेगा तो वो शॉर्ट लगने का कम संभावना होता है, डबल में एक मिनट टैप लगा होता है गर्म होने के बाद शॉर्ट कर सकता है। ये हो गया आपका तीसरा थीम, या चौथा थीम देखेंगे, लाइट चल फुल फिनिश करेंगे देखेंगे तो चौथा स्टेप में कैसे हो रहा है। तो इसी तरह ये बॉल को सिर्फ फॉल्सरिंग में आप इसको सेट कर देते हैं, ये तार अंदर चल गया है वायर। अब ये देखिए इस तरह इसको, इस तरह है दो लॉक कैसे कर दिए, ये चल गया अंदर मेरा वायर। अब इसको इसमें पहले डाल दिए, फिर सेकंड वाला कैसे डाल दिए, वो हो गया ये सेट। पंखा लगेगा, पंखा है नहीं, और इसमें ट्यूब का है, ट्यूब आएगा तो वो भी लग जाएगा, ट्यूब का पॉइंट सब बोर्ड लगेगा भाई। रनिंग में कौन लाइन है कौन पॉइंट है, तो मेरा सब ब्लैक ही है। और यहाँ पे देखिए अभी सबको टैपिंग किया हुआ है, तो पहले से देखिए अभी इसमें है क्या, इसको हम टैपिंग खोल रहे हैं। ये देखिए खुल गया अभी, यहाँ पे भी है, रुक के कैसे पहचानिए कौन तार मेरा न्यूट्रल है कौन है फेज कौन, ये सारा पॉइंट है। और ये देखिए इसमें टैपिंग किया हुआ है, तो ये न्यूट्रल का हो है, ठीक है, ये न्यूट्रल हो सकता है। और ये तीनों देखिए यहाँ पे जो है दो रेड एक ब्लू, ये इन्वर्टर वाला हो गया, और ये न्यूट्रल और ये फेज हो गया जो इसमें आएगा, ऐसे तो इसमें है, तो ये मेरा न्यूट्रल हो जाएगा, पॉइंट का सब हो जाएगा। और ये सब जो है ये कटिंग है, शायद ये पंखा का तार है, ये पंखा का है, इसको हम भी अभी अलग कर देते हैं, ये पंखा का हो गया, इधर सब पॉइंट का आ गया। तार ताने का तरीका देखिए, टैप मार दिए इसमें, अब देखिए इसमें डालेंगे आसान तरीका से चल जाएगा, कहीं कोई देखिए अब फाइनल रूप से हो गया सेट सब कुछ। देखिए ये बोर्ड है, 12 मॉडल का बोर्ड लग गया है, उधर पंखा नहीं लगा है और एक ट्यूब नहीं लगा, लाइट टाइट सब चालू हो गया है। तो फाइनली रूप से देखिए अब लाइन चालू कर रहे हैं, अभी देखिए कुछ नहीं है, ये देखिए लाइट चालू हो गया पूरी तरह से, ये पल्सरिंग है। और स्विच का देखिए सब कमी, एक चीज़ है इसमें कमी क्या हो गया, मेरा सारा पॉइंट इसमें ये आ गया, मेरा पंखा का हो गया, और ये दो रेगुलेटर एक इन्वर्टर से है, तो एक ही स्विच पे सारा लाइट को करना पड़ा लास्ट में, देख लीजिए, और ये एक ही स्विच पे सारा को कनेक्शन देना पड़ेगा। इसी तरह था, ये फाइनल रूप से आज हो गया पल्सरिंग का काम जो भी था। आज दुकान में देखते हैं पूरी तरह से सामान लग चुका है, यानी आप लोग भी सामान शॉप कर सकते हैं, ये RCM का दुकान है और RCM का मालिक साहब खड़ा है, देख लीजिए पूरी तरह से काम का नाम भी बता दें, गांव सिंघिया पंचायत हुआ और श्रीनगर ब्लॉक में आता है ये, जो इस तरह उधर RCM का बोर्ड है, बोर्ड भी दिखा दीजिए इसका उधर से सामने जाके, तो ये देखिए लग गया है। अब क्या करते हैं, RCM का PUC है, PUC सेंटर का अंडरवर्ल्ड क्यूब बोल रहे हैं भाई साहब, इस तरह है देखिए, तो आप लोग भी सामान RCM का यहाँ से परचेज कर सकते हैं। BHR कॉन्टेक्ट नंबर देखिए मेन रोड